डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल्स। एमएम ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा, हमने एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट किया है। उसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन सीखा था। उसके बावजूद हमने एक्सरसाइज 2.4 में डिवीजन को भी जाना था। आज हमारी एक्सरसाइज रहेगी, हमारे चैप्टर का नाम था कि बेटा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, है ना बेटा? अपने चैप्टर का नाम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। हमने फ्रैक्शन की चैप्टर को कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 2.4 तक हमारी हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? फ्रैक्शंस के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में। आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 है, किससे स्टार्ट होगी? डेसिमल से। किससे बेटा? डेसिमल से। आज हम इसके बारे में डेसिमल के आज हम इस एक्सरसाइज में 2.45 में डेसिमल के बारे में जानेंगे। डेसिमल्स होता है दशमलव। क्या होता है बेटा? दशमलव। आपने मतलब कि सिंपली एडिशन को जाना है, मतलब विदाउट डेसिमल्स के, क्या ना एडिशन किया है। जैसे कि मतलब आपने ऐसे किया है 25 और 35। आपसे पूछा गया है कि विच इज ग्रेटर। आपने बता दिया, इसमें क्या पूछा कि विच इज ग्रेटर का मीन क्या बेटा, इनमें से कौन सा बड़ा, 25 या 35। तो आपने बोल दिया कि कौन सा बड़ा है, 35। बट सेम चीज़ें हैं, आप इसमें किस चीज़ का यूजिंग होएगा? डेसिमल्स का। किस चीज़ का यूजिंग होएगा बेटा? डेसिमल्स का। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट सम है बेटा अपना। कि जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि डेसिमल्स क्या होता है। डेसिमल होता है ना बेटा, जो बिल्कुल छोटा सा, ये क्या होता है, जैसे कि मैं इसको क्या बोलूँगी, टू डेसिमल फाइव, यानी ये क्या है, एक डेसिमल। क्या है बेटा ये? एक डेसिमल। अब मैंने आपको बोला कि विच इज ग्रेटर, या मतलब कि इसको टू डेसिमल फाइव है, इसके डेसिमल को रिमूव करना। क्या करना बेटा? डेसिमल को रिमूव करना, मतलब कि मैंने इस डेसिमल को हटाना है। क्या करना बेटा? हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे? 2.5 है, डेसिमल ऊपर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हटाना है डेसिमल के, मतलब सबसे पहले हम 1 लिखेंगे हर समय। उसके बाद बेटा डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे हम उतनी ही जीरो का प्रयोग करेंगे। जैसे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बेटा? 1, वो हुई कौन सी? 5। तो मैंने कितनी, 1 डिजिट है ना, तो मैंने कितनी जीरो का प्रयोग किया बेटा? 1 का। कितनी का? 1 का। तो आपने डेसिमल को रिमूव करना सिखाया। जैसे कि 3.5 है, इसकी भी डेसिमल को रिमूव करना है। तो मतलब हम कैसे करेंगे? 35 1 लिखेंगे, डेसिमल को रिमूव, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 है। अगर मैं यहाँ पे 6 भी लिख दूंगी, अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होगी? 1 2 2 आगे ना, तो कितनी जीरो का प्रयोग होगा यहाँ पे? 2 का। कितनी का बेटा? 2 का। तो इसी तरह से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। आपको मतलब कि 2 डिजिट दी गई है बेटा, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर। फर्स्ट है देखो 0.5 आर 0.005। आप में से इसको ये बताना कि बेटा कौन सा बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डेसिमल को रिमूव। तो 0.5 बाय, मैंने बोला ना कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होगी हम उतनी ही जीरो लिखेंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, जीरो लिख दिया। उसके बावजूद बेटा ये भी सेम 0.05, पहले डिजिट को सिंपली लिखेंगे ना। अब हम रिमूव करेंगे 1, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2, तो कितनी जीरो आएगी बेटा? 2। उसके बावजूद आपको मतलब कि ये मतलब आगे वाली जीरो से कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि ये क्या हो गया अपना, एक 5/10 और 5/100। अपना न्यूमिनेटर सेम है बट डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने फ्रैक्शन में जाना था कि बेटा हमें क्या करना है, एक लाइक फ्रैक्शन बनानी है। क्या करना बेटा? हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी है। तो हम लाइक फ्रैक्शन को कैसे बनाएंगे? एलसीएम की हेल्प से बनाती है ना, तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। 10 और 100 का एलसीएम निकालेंगे। फिर हमको पता चलेगा कि इससे बेटा हम लेंथ ही करेंगे तो हमारा कंसेप्ट इजली क्लियर होएगा। अगर हम वैसे कि
अंशवर्ष में से देख के शाइम्बल्स को लगा देंगे उसमें बेटा, नॉट बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट नहीं है। अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, चाहे एक दिन में आधी एक्सरसाइज करो। हम क्यों बना रहे बेटा, हमको क्या बनाना है कि डेनोमिनेटर सेम बनाना, हम एक लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कौन सी बेटा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है कि एलसीएम चाहिए, 10, 10 पे आएगा ना, 10 वन जा हो गया, ये कितना हुआ, 10 मल्टीप्लीकेशन 10 यानी कि 100, कितना हुआ बेटा अपना एलसीएम, 100। 100 एलसीएम मिला ना हमें, लाइक फ्रैक्शन बनाई तो मैंने 100 बना लिया, मिल गया ना बिल्कुल सेम। उसके बावजूद हम इसको मतलब सेम बनाएंगे, जैसे कि इक्विलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं, तो मतलब कि 10 को 100 बनाना, तो क्या करूंगी मैं, यहाँ से 10 से मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी बेटा 10 से मल्टीप्लीकेशन, तो ऊपर क्या बना मेरा, 50 बनाना। उसके बावजूद मतलब यहाँ पे एडिशन का निशान नहीं लगाना, वैसे ही छोड़ रही हूँ, तो 10 ये अपना पहले से 100 है, ये क्या अपना पहले से 100 है, मतलब कि इसको सेम बनाना, तो यानी कि 1 ही लिखेंगे, तो 1 में से ऊपर भी मतलब 1 ही करेंगे ना, तो ये बना 5। तो आपको बेटा ये बताना है कि आप ये बताओ, एक तो आपके पास 50 रुपीज़ है, एक आपके पास 5 रुपीज़ है, तो कौन से ज़्यादा है, कौन से बेटा 50, यानी कि कौन सी चीज़ ग्रेटर है, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05 से। तो आपको पता चला ना कैसे हम ग्रेटर करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद हम इनको एक लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है। ये अपने एक्सरसाइज बेटा 2.5 का फर्स्ट सम था। उसके बावजूद बेटा हमारे एक्सरसाइज 2.5 में आप सेकंड सम नंबर ये है कि आपको मतलब कि एक्सप्रेस करना, कुछ डिजिट दे रखी है, क्या दे रखे बेटा आपने, कुछ डिजिट दे रखे, उसको ना एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, कि बेटा ना मतलब जो पैसे ना उसको किस में रिमूव करना है, रुपए में, और किसका यूज करके बेटा, डेसिमल का, किस चीज का यूज करके, डेसिमल्स का। डेसिमल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, बस हमें ना जो पैसे उसको कन्वर्ट करना है एक रुपीज में। आपने प्रीवियस 6th क्लास में भी इन बातों को जाना है, डेसिमल्स को भी जाना है, बट ये आपके लिए एक रिविजन की चीज है जो आप इजी वे से कर सकते हो। देखो बेटा आपने जैसे किसने बोला कि 7 पैसे किस में कन्वर्ट करें उसको रुपए में, किसमें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो ये तो बेटा बिल्कुल नॉर्मली बात है, 1 रुपीज में 1 रुपीज इज इक्वल होता है 100 पैसे, 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे। ऐसे मैं बोल दूं कि 7 रुपीज को कन्वर्ट करो पैसों में, 7 रुपीज को कन्वर्ट करो पैसे में, तो मैं कितने बनाऊंगी, 7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100। क्यों, क्योंकि 1 रुपीज में 100 होते हैं बेटा, तो 7 रुपीज में कितने होंगे, 700 ना। इस तरह से हम रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करते हैं। आपको इस बात का पता चला कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो ये इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसों में कितने रुपीज हो गए, 1 पैसों में कितने रुपीज हो गए बेटा, 1/100 रुपीज, 1/100 रुपीज। क्यों हुआ, क्योंकि देखो 1 रुपीज में 100 पैसे हैं, तो 1 पैसों के निकालने हैं, तो 1 पैसों में कि हमने 1 का निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 1/100, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि 3 पैसों को कन्वर्ट करो किसके अंदर, रुपीज के अंदर, 1 पैसों में कितना बेटा, ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 पैसों में कितने रुपीज होते हैं, रिमेम्बरिंग चीजें हैं ये। तो 3 पैसों में जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1/100, आपको पता कि 1/100 आता है, उसमें आपको कितने पैसों की निकालनी है 3 की, तो किस क्या कर दोगे, 3 की मल्टीप्लीकेशन, तो 3/100 क्या कर दोगे बेटा, 3/100। इस तरह से मतलब कि आपको ये रिमेम्बरिंग है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसों के रुपीज बनाने, तो क्या जाएगा ये, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इस साइड डिविजन हो गया ना, तो 1/100, ये दोनों चीजें आपको रिमेम्बरिंग करनी है। उसके बाद जो जैसे कि मैं बोलूंगी 4 पैसों के रुपीज बनाओ, क्या बना लूं, और जो भी मतलब दिया हुआ है, जैसे इसने बोला रुपीज, तो मैं पीछे क्या लिखूंगा बेटा, रुपीज, 4 पैसे के क्या बनाने हैं, रुपीज, कैसे बनाओगे, 1 पैसे, पहले आपको ये नो होना चाहिए कि 1 पैसों में कितने रुपीज होते हैं, 1 पैसों में 1/100 रुपीज होते हैं,
तो मतलब कि मैंने 4 पैसों की बनानी है, तो 1 मल्टीप्लीकेशन 4 कितनों की बनानी बेटा, 4 की, इसीलिए मैंने क्या की मल्टीप्लीकेशन बाय 100, तो 1 4 जा 4 बाय 100। ये मैंने डेसिमल नहीं लगाया कि यूजिंग डेसिमल करके दिखाऊंगी आपको, वैसे नॉर्मली बताया कि हम पैसों को रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 4 बाय 100 रुपीज। अब हम इसको बिल्कुल करेक्ट वे से करेंगे डेसिमल, यूजिंग डेसिमल किसका बेटा, यूजिंग डेसिमल। अब तक मैंने इसमें डेसिमल का यूज नहीं किया था, और पैसे को रुपये में कन्वर्ट किया था, रुपीज को पैसों में। देखो बेटा 7 आपको बोला कि नहीं 1 पैसों में कितने रुपए होते हैं, 1 पैसे में 1 बाय 100 रुपीज क्या कन्वर्ट करना है, 7 पैसों में 1 मल्टीप्लीकेशन 7 बाय 100 क्या मिला, 7 बाय 100 रुपीज क्या मिला बेटा, 7 बाय 100 रुपीज वही बात बनी। अब मैंने क्या करना है इसको डेसिमल में कन्वर्ट, किसमें, डेसिमल में। देखो बेटा कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है ना, यानी कि यही बात है कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2। मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया, क्या लगाया बेटा मैंने यहाँ पे डेसिमल, कि सबसे पहले हम 0 भी लगा सकते हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पॉइंट कितनी डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद में, 2, 1 तो ये है तो हम क्या लगा देंगे 1। और समझ में आई ना, जैसे कि 5 बाई 100 है, कितनी 0 है, 2, यानी कि वही बात होगी ना, डेसिमल के बाद में हमें 2 डिजिट मिलनी चाहिए। 1 डिजिट तो हमारी दे रखी है बुक वाले ने, 5 0 0 5 हो गया ना, उसके बावजूद हम 0 आगे लगा सकते, उससे कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता। तो आपको समझ में आया ना, जैसे कि 3 बाई 100 है, 100 है, यानी कि हमें इसके 2 डिजिट के बाद में, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए। पहले नंबर्स दे रखा है 3, इसके आगे हम 1 डिजिट और लगाएंगे 0 3, इसके बावजूद हम 1 0 आगे लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, उस चीज़ से कोई फैक्ट नहीं है, बट हमारा क्या बन गया, डेसिमल 0 3 रुपीज। आई ना बात समझ में बेटा, वही बात है कि हमें ये देखना कि कितनी 0 है, डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट लिखनी है। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.5 का सम नंबर 2, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा कंप्लीट पार्ट। अब आपको एक पार्ट और दिखा दूंगी कि मैं, जैसे कि बोल दी कि 7 रुपीज है, ये तो पहले से रुपीज है, 7 पैसे हैं, ये तो अपना पहले से रुपीज है और इसको 7 पैसे हैं, इन दोनों को ऐड करना कि मतलब 7 रुपीज में 7 पैसे जोड़े कितना क्या होता है। रुपीज तो है, इन्होंने बोला था ना स्टेटमेंट के अंदर कि हमें क्या करना, रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, तो हमें 7 पैसों की हेल्प भी चाहिए, 7 पैसे उसको क्या बनाएंगे। देखो बेटा 7 रुपीज है, हमें इसके साथ तो कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ भी रुपीज में बनानी है, एडिशन करेंगे, क्योंकि 7 रुपीज 7 पैसों का बताना है कि कितना हुआ, 7 रुपीज है ना बेटा, ये 7 हो गया, हुआ तो ये 7 पैसे, 7 पैसों के लिए मैंने बोला था कि मतलब हमने अभी पढ़ा था कि 1 पैसों में कितने रुपीज होते हैं, 1 बाय 100 होते हैं ना बेटा, तो उसके बाद में 7 बाय में 100 हो गया। ये बिल्कुल एक नॉर्मल है, मैसिव कर सकते, इसे कोई इफेक्ट नहीं है, अब एक फ्रैक्शन ये भी बन गया कि ये फ्रैक्शन बन गया 7 प्लस। अब है ना जैसे कि 7 बाय 100 मिल गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूजिंग डेसिमल, किस क्या यूज करना बेटा हमें इसका, डेसिमल्स करना है ना, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बोला 7 लिख दिया, डिजिट के बाद में डेसिमल के बाद कितनी, सॉरी बेटा कितनी 0 है, 2, तो मतलब कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 2, तो यानी कि 1 2 डेसिमल लगाई तो क्या गेट हुआ, 7 प्लस 0.07। अब आपको इसको एडिशन करना है बेटा, आपने सिंपली एडिशन प्रीवियस क्लासेस तक करते आए हो, आपको मेरे ख्याल से डेसिमल्स को यूज करना, एडिशन की डेसिमल को यूज करना नहीं सीखा है, तो इसमें एक न्यू टॉपिक और बना कि हम जो डेसिमल्स होते हैं उसको एडिशन कैसे करते हैं, डेसिमल का एडिशन, जैसे कि बेटा ये 7 है तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, 7 है इसके लिए हम डेसिमल लगा सकते हैं, 0 इसके पीछे लिख सकते हैं, इस चीज़ से कोई भी फैक्ट नहीं, या तो 7 लिख दो या 7.0 लिख दो, ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है। मैंने इसके लिए ऊपर डेसिमल क्यों लगाई, ताकि आप पजल ना हो, उसके बावजूद बेटा डेसिमल के सामने डेसिमल लिखो, लिख दिया, इसके आगे क्या, डेसिमल के सामने बिल्कुल डेसिमल लिखे, 0 है लिख दिया,
उसके बावजूद डेसिमल के बावजूद जीरो है लेकिन उसके बावजूद क्या है, सेवन है। अब मतलब आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे है तो हम ऊपर भी जीरो लिख सकते हैं, कोई फैक्ट नहीं है। जीरो में सेवन जोड़ेंगे, सेवन जीरो डेसिमल सेवन, यानी कि कितने हुए, सेवन डेसिमल जीरो सेवन रुपीज। आपको पता चला कैसे कि इस चीज में कैसे कि हमने डेसिमल के सामने डेसिमल लगानी, ये एक सिंपली नंबर था, हमने इसको जीरो लगा के डेसिमल बना लिया। उसके बावजूद ये जो डिजिट थी बिल्कुल सेम लिखे बेटा, और इसका क्या कर दिया, सिंपली वे से एडिशन। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 2.2 2.5 के सम नंबर फर्स्ट टू और सेकंड करना है। उसके बावजूद बेटा आज हम करेंगे सम नंबर थर्ड। ये सम नंबर थर्ड में थोड़ा सा चेंजिंग है, आपको बोला था कि मतलब इसने तो सीधा रुपए पैसे बोला था, इन्होंने दो पार्ट एक्सप्रेस करना कि मतलब 5 सेंटीमीटर इन मीटर, इसको 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी लिखना और बेटा किलोमीटर में भी लिखना है, यानी कि ये दो क्वांटिटी है, इस एक क्वांटिटी को दो क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी वाली वो लाइन होनी चाहिए, किलोमीटर हेक्टामीटर जो मेजरमेंट होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, क्या था बेटा किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर मिलीमीटर और सेंटीमीटर। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है, फिफ्थ क्लासेस में भी जाना है, सेंटीमीटर ये वाली होती है अपनी एक यूनिट, क्या होती है बेटा, एक मतलब मेजरमेंट की होती है। तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि एक सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर होते हैं, कितनी किलोमीटर होते हैं। मोस्टली हम किस चीज का यूज करते हैं बेटा, किलोमीटर का, मीटर का और मिलीमीटर और सेंटीमीटर का। इस एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं बातों, यही यूनिट कन्वर्ट होएगी, किलोमीटर मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो बेटा जो मीटर होता है ना वो बड़ा होता है किससे, सेंटीमीटर से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। जब हम नीचे से ऊपर आते हैं बेटा, नीचे से ऊपर जाते तब तो डिवाइड होता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मतलब कि मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 10 का है, इन दोनों के बीच 10, इन दोनों के बीच 10 और इन दोनों के बीच 10। जैसे कि आपको ये बोल दे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पे 10 मानो, यहाँ पे 10, 10 की 10 मल्टीप्लीकेशन 100, फिर यहाँ की 10 की 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे कि यहाँ पे 10 10 हो जाएगा, तो लास्ट में हम तीनों के मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक 1000, कितना बनेगा 1000। तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये है ना। तो मतलब कि इनके बीच में किस किस का डिफरेंस होता है, 10 10 का। फिर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मैंने अब तक आपको बताया है ना कि हम नीचे से ऊपर जाते जब तो डिवाइड होता है, ऊपर से जब हम नीचे आते तो एक मतलब कि 0 0 एडिशन होती है, यानी कि क्या होते हैं बेटे, एक मल्टीप्लीकेशन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो ये रही मीटर की यूनिट, यहाँ पे 10 था, 1 0 और बढ़ गई तो कितना होगा, 100, सॉरी बेटा मतलब कि इन दोनों के बीच 100 था तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, कितना बना 10 था, ये कितना बना 100। तो यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, कितने बेटा 100। वही पैसे रुपए वाली बात बन गई ना कि अगर बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, तो 1/100 मीटर ना। बिल्कुल ये आपको पता है ना अच्छे से कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्या बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। अगर आपको अब बताना कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 5 सेंटीमीटर में 1 × 5/100 मीटर, यानी कि क्या बनाई, 5/100। अब हमें क्या करना, यूजिंग डेसिमल्स क्या करना बेटा, यूजिंग डेसिमल कैसे करेंगे हम, 5 है ये, कितनी डेसिमल है, 1 2, यानी कि कितनी के डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना,
0.50, ये क्या बन गया हमारा, एक किसमें कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर में, मीटर में, सॉरी बेटा किसमें, मीटर में, यानी कि 0.05 मीटर। रुपये पैसे वाला है ना, बिल्कुल सेम एज, ये था अपना मतलब ये मीटर का पार्ट, मीटर कंप्लीट किया। अब इसी को मतलब किसमें कन्वर्ट करना बेटा, मैंने किलोमीटर में, किसके अंदर, इसको किसमें कन्वर्ट करना हमें, किलोमीटर के अंदर। तो हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। आपको समझ में ना, ये वाली बात भी आपको रिमेम्बर करनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। किलोमीटर की यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमें पहले पता आना चाहिए कितना किलोमीटर होता है। जैसे कि मतलब मैंने लिखा था तो 1 किलोमीटर में बेटा 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है कि 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके हम ऐसे करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो 1/लाख किलोमीटर। आपको पता चला कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, इसी तरह 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। हम उसकी तरह से, जैसे कि मैंने अब तो रफ कर दिया किलोमीटर हेक्टामीटर को, राइट करके भी आप उससे चेकअप कर सकते हो कि ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। तो आपने बोला कि 5 सेंटीमीटर में किसमें बदलना है, 5 सेंटीमीटर को, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 × 5 में कितने हो जाएगा, लाख, 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, 5/लाख। अब हम इसके बाद मतलब कितनी डिजिट होनी चाहिए बेटा, 5, कितनी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 5। तो हम कैसे करेंगे, पहले से हमारा 5 हम राइट कर लेंगे, तो अब कितनी जीरो लगाएंगे, 1 तो हो गया नहीं, 2, 3, 4, 5, 0.005 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको बेटा इस एक्सरसाइज के सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर को तो कर लेना, अगर नहीं हुआ तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज डाल देना, हम 4 सम दोबारा सिकल करवा देंगे। बिल्कुल सेम एज ए, किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, बिल्कुल वही वही सिस्टम है अपना। नहीं तो बेटा आपको एक्सरसाइज 2.5 के 1, 2, 3 सम को कंप्लीट करना अपनी नोटबुक के अंदर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।